भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय मुद्दों व जन समस्याओं को मूर्खता से उठाते हुए कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी पर हल्ला बोला। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुक्रवार को बीजापुर के नया बस स्टैंड में भाजपा ने पट्टा वितरण में भेदभाव किए जाने, किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि की वसूली, देवगुड़ियों में भारी भ्रष्टाचार, शासकीय भवनों में भ्रष्टाचार, सीसी सड़क, स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार, चेक डैम, इंडोर स्टेडियम मैदानों में फ्लड लाइट, अनेक मुद्दों में भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय विधायक का विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के कार्यकर्ताओं, किसानों व स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने कहा, किसानों को हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वसूलने लाभान्वित किसानों को अवैध नोटिस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एसटी एससी वर्ग के नाम पर फर्जी जाति बनाकर नौकरी करने वाले के खिलाफ कई बार अवगत कराने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा मोर्चा ने पुतला जलाया। इस मौके पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष घासीदास नाग, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष जिला राम राणा, कोसा अध्यक्ष संजय लुक्कड़, प्रदेश कार्य समिति युवा सदस्य मोर्चा फूलचंद गागड़ा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बलदेव उर्षा, चिन्ना राम तेलम, उर्मिला तोकल, रंजना उदय, बसंती लिंगम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग आज उजागर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजापुर में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी बनने के बाद, चाहे या सड़क का मामला हो, चाहे तालाब का मामला हो, चाहे यात्री प्रतिचलन हो, तो तमाम चीज हम लगातार उनके जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो कमीशनखोरी है, उनकी जो बेईमानी है, लगातार लाने काम कर रहे थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जो विधायक के नाकामी, जो रेत का मामला हो, चाहे यहाँ पर जो स्कूलों में रिपेयर के नाम से हो, चाहे तालाबों के निर्माण से लेकर रिपेयर का मामला हो, और जिस तरह से बरसात में भी काम किया जा रहा है, तमाम चीज़ है। साथ ही साथ स्कूलों के जो रिपेयरिंग किया गया, जब 24 लाख की बिल्डिंग को 56 लाख में रिपेयर किया गया, आज वहाँ जिस तरह से बदहाली है और रेत का तस्करी, तमाम जो चीज़ को लेकर हमने धरना दिए। और साथ साथ आपको भी बता देता हूँ कि जिस तरह से विधायक दावा करते थे, प्रूफ लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं जनता को बताया भी, ये यूनिक सेल्स एंड सर्विस इनके द्वारा सप्लाई किया गया है, सहायक आयुक्त और तमाम जो लोग जिले में सप्लाई किया गया है। इसलिए बीजापुर में हम कुछ सामान भी खरीदे और उसका बिल भी दिखाना चाहता हूँ, बीजापुर में किस दर से मिल रहा है। जो सामान आपको दिखाया, जो सरकारी सप्लाई हुआ है, वो आज बीजापुर में 85 रुपया, 150 रुपया और 120 रुपया मिल रहा है, और 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत पर खरीदा गया है। हर द्वार यहाँ पर 10 संस्था आपको नाम से अपने बास्केटबॉल सप्लाई भी करते हैं, लेकिन अब सहायक आयुक्त जी जब जानकारी मांगा जाता है, आप कहते हैं बीजापुर जिले में एक भी बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं बनाया।